नूरपुर उपमंडल के अंतर्गत बनने वाले फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट के लिए केंद्र को 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित 4.3 किलोमीटर टनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि निर्माणाधीन डैम का कार्य अगले वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। जल शक्ति विभाग का प्रयास है कि अगले वर्ष प्रोजेक्ट के तहत कुछ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सके। इसके लिए विभाग प्रोजेक्ट कार्य को गति प्रदान करने में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में इस प्रोजेक्ट की लागत 207 करोड़ थी, अब इसकी संशोधित लागत 400 करोड़ रुपए है और इतनी लागत का ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। जल शक्ति विभाग नॉर्थ जोन धर्मशाला के चीफ इंजीनियर सुशील जस्टा के अनुसार फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट के तहत 4000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी है। प्रोजेक्ट के तहत डैम और टनल निर्माण का प्रस्तावित था, जिसके तहत डैम का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसंबर 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 4.3 किलोमीटर की टनल बन चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य चल रहा है। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की बात की जाए तो पिछले दो सालों में सरकार की ओर से वर्ष 2019-20 और 2020-21 में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फंड्स की कमी नहीं है और कार्य तेज गति से चल रहा है। जिस तरह से कार्य चल रहा है, उसके तहत विभाग प्रयासरत है कि अगले वर्ष प्रोजेक्ट के तहत सिंचाई सुविधा कुछ हिस्से में प्रदान की जा सके। चीफ इंजीनियर ने बताया कि केंद्र सरकार को भी ये प्रोजेक्ट 400 करोड़ रुपए की फंडिंग हेतु भेजा गया है। केंद्र सरकार के जो 99 सिंचाई प्रोजेक्ट से उनमें फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट को शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट में 4000 हेक्टेयर भूमि को हमने इरीगेशन देनी है और इसमें एक डैम बनने का प्रस्ताव था, एक टनल बननी है और उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू पानी खेतों तक पहुंचाया जाना था। डैम का कार्य प्रगति पर है और इसमें अभी फाउंडेशन से ऊपर उठ चुका है और डैम का कार्य 21 दिसंबर तक प्रस्तावित है कि कंप्लीट कर दिया जाएगा। और 4.3 किलोमीटर की टनल बननी थी, जो वो बन चुकी है पूरी। डिस्ट्रीब्यूटरीज का काम चला हुआ है और फंड्स भी अगर पिछले दो सालों में देखें तो 150 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है 2019-20 और 2021 में, तो फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है और कार्य तेज गति से चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 में हम इरिगेशन कुछ हिस्से में दे पाएं और यही प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फंडिंग के लिए 400 करोड़ का भेजा गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे उसमें इसको इंक्लूड कराने के लिए भी ये प्रस्तावित है। इसमें 400 करोड़ प्रस्तावित है जो अमेंडेड कॉस्ट है, पहले तो 207 करोड़ थी 2012 में, तो अब जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है वो 400 करोड़ का है। स्कीम को 2022 में कम्प्लीट कर देंगे।